उत्तरकाशी चारधाम यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। वहीं उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा भागीरथी नदी के किनारे भागीरथ शिला के पास अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान, तर्पण, पूजा अर्चना कर पुण्य अर्पित कर रहे हैं। मान्यता है कि उसके पितरों का मां गंगा उद्धार करती है और पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वहीं गंगोत्री धाम में बड़ी संख्या में विभिन्न राज्यों में तीर्थयात्री और स्थानीय लोग गंगोत्री धाम में पहुंच रहे हैं और अब तक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 15,13,114 लोगों ने मां गंगा सहित मां यमुना के दर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी से विनीत कसवाल की रिपोर्ट। पिछले साल भी है, इस साल भी है। कितने समय से आप लोग ये कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चारधाम यात्रा पे? हाँ, चारधाम यात्रा पे आए हैं। बहुत अच्छा लगा, गंगा माँ का दर्शन हो रहा, स्नान किए, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हर चीज़ बहुत अच्छा था। आप कहाँ से हो? प्रयागराज से। प्रयागराज से, मतलब वहाँ भी गंगा बहती है, मगर ये यहाँ क्या है? ऐसे निर्मलता यहाँ दिखती है। अच्छा, वहाँ पे उतनी नहीं, पॉल्यूशन इतना है लोग जो है, लेकिन जो पवित्रता है, शुद्धता, यहाँ शांति मिली वो कहीं नहीं मिलती है। गंगा जी पितरों के मोक्ष के लिए उतरी है। राजा सदन के जो 60,000 जल करके भस्म हो गए थे, उन्हीं के उद्धार के लिए राजा भगत महाराज जी ने अपने अथक प्रयास से गंगा जी को स्वर्ग से इस धरा पर लाया है। तब से निरंतर माँ गंगा जी गंगोत्री से गंगा सागर तक बह रही है। गंगोत्री धाम में आते हैं, माँ गंगा जी की पूजा करते हैं, अपने पितरों के तर्पण इत्यादि, पिंडदान इत्यादि करवाते हैं। लेकिन श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से महत्व है। लोग यहाँ पर आकर के अपने पितरों को जो है जल देते हैं, तर्पण करवाते हैं और ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में बहुत बड़ा महत्व बन जाता है। और जो लोग आते हैं यहाँ पर अपने पितरों के मोक्ष के लिए, माँ गंगा जी उनके पितरों को मोक्ष के लिए सदगति देती है।